आरजेडी आज अपना यौम तासीस की सिल्वर जुबली मना रही है और इस सिल्वर जुबली में आज ही के दिन आरजेडी तश्कील भी हुई थी और इस मौके पर पटना के आरजेडी ऑफिस में शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया है जिसमें तेजस्वी यादव के अलावा पार्टी के कई बड़े लीडरान मौजूद हैं। रियासत भर में सैकड़ों की तादाद में कारकुनान यौम तासीस को लेकर पार्टी दफ्तर में मौजूद हैं। ये हम 5 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पार्टी सदर लालू प्रसाद यादव दिल्ली से वर्चुअली जुड़े और दिया जलाकर तकरीब का इफ्तिताह किया। उनके साथ उनकी अहलिया और साबिक सीएम राबड़ी देवी और मीसा भारती भी मौजूद रहीं। लालू यादव ने पार्टी कारकुनान को खिताब करते हुए कहा कि वो जल्द ही उनके बीच होंगे। आज साबिक मरकजी वजीर रामविलास पासवान की भी जयंती है और लालू ने उन्हें खराज अकीदत पेश किया। आपको बता दें कि जमानत पर लालू के रिहा होने के बाद हो रहे यौम तासीस को लेकर पार्टी लीडरान में जबरदस्त जोश देखा जा रहा है। पटना में जगह जगह पर यौम तासीस को लेकर पोस्टर्स लगा दिए गए हैं और पोस्टर के जरिए बिहार की सियासत में लालू की एक बार फिर से रीएंट्री के इशारे दिए गए हैं। तो आज आरजेडी का यौम तासीस है, सिल्वर जुबली मनाई जा रही है। इस मौके पर दिल्ली में वर्चुअली तरीके से लालू प्रसाद यादव ने इस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया और जिसमें कारकुनान वर्चुअली जुड़ते हुए नजर आए। और इस मौके पर तेजस्वी यादव का क्या कुछ कहना है, ये सुनते हैं। इलाज चल रहा तो हम लोग चाहते बेहतर इलाज हो, लेकिन जहां तक लग रहा है कि अगर आप लोगों का प्यार आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, आप लोग अगर दुआ में इलाज रखिएगा तो लालू जी जल्द से जल्द स्वस्थ होंगे और आप लोगों के बीच जरूर हुआ। तो ज्यादा कुछ नाम करते हुए आप सब लोगों को तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और आप सब लोगों से अपील करते हैं इधर उधर नहीं देखते, केवल अपना काम करके चल रहे, बातों पे ध्यान नहीं देना, अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है और जनता का सरकार बनेगा, चिंता मत कीजिए, गरीब का सरकार बनेगा। लोग चिंता की क्या होगा, अब इसके ज्यादा कुछ तो हम नहीं कहेंगे, ये तो बीजेपी सरकार की, लेकिन समय आने दीजिए, देखते रहिए क्या होता है। पहले आपस में फरिया रहने दीजिए, फिर हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे इसमें एकदम मजबूती से तांगे एकता के साथ आप लोग एकजुट रहिए और हम पुनः हम सब लोगों को मिलकर के आदरणीय लालू जी को धन्यवाद देना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। और नीतीश कुमार जी से नहीं कि तो कब केले जाते हैं तो कुछ जानने लगते, 4 साल में 4 सप्ताह कितना बार पलटी मारे, ना कोई विचारधारा, ना कोई नीति, ना कोई सिद्धांत, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं, सलूट करते हैं आपके नेता को कि चाहे कितना भी सदस्यों का अंबार लगाया गया हो, कितना भी लोगों ने झुकाने का प्रयास किया हो, लेकिन अपने इरादे से, अपने विचार से, अपने नियम नीति से उन्होंने एक बार भी झुकना पसंद नहीं किया, भले जेल जाना मरना पसंद किया, लेकिन कोई समझौता अपने विचारधारा से उन्होंने नहीं किया। नहीं तो आज का दौर जहां सत्ता के सुख के लिए पार्टियां बदल जाती है, विलय हो जाता है, लोग इधर से उधर चले जाते हैं सत्ता के प्राप्ति के लिए, लेकिन हिंदुस्तान में एक लौता नेता है जिसके खिलाफ बड़ी बड़ी साजिश की गई और हम सब लोगों को सब रहे घर जाना चाहिए कि ऐसे नेता से हम लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए। अभिभावक जनता बाबू को कहेंगे कि राष्ट्र बेटी को मान्यता दे, विराट मान्यता तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे और वो
लालू यादव के बारे में कुछ बातें बयां कर रहे थे कि उनका धन्यवाद अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमें उस राह पर लेकर चले हैं वो, कि किसी के आगे उन्होंने झुकना नहीं सिखाया है, ना किसी से दबने की उन्होंने बात कही है कि किसी से नहीं दबना चाहिए। और आने वाले वक्त का भी उन्होंने जिक्र किया कि अभी देखिएगा आगे आगे होता है क्या। अब क्या इशारे इसके हो सकते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल अपने नाज़रीन को बता दें कि आज RJD का जो यौम तासीस मनाया जा रहा है 25वां यौम तासीस है, और इसमें इस मौके पर आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि ये दिल्ली की तस्वीरें हैं जहां पर दिल्ली से वर्चुअली तरीके से वो जुड़े और पटना के जो तमाम कारकुनान थे वो वहां पर मौजूद रहे और इस प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की।